हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट इन एक्सेस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा वन। इफ अनदर स्टेशनरी डिस्क, इंपॉर्टेंट है स्टेशनरी, दूसरी कौन सी स्टेशनरी डिस्क हैविंग रेडियस आर बाई टू, रेडियस भी आर बाई टू है बट मास सेम है सेम, इज ड्रॉप्ड कोएक्सियली ऑन द टू द रोटेटिंग डिस्क। ग्रेजुअली बोथ डिस्क अटेंड द कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा टू। द एनर्जी लॉस्ट इन दिस प्रोसेस इज पी परसेंट ऑफ द इनिशियल एनर्जी वैल्यू ऑफ पी एच। चलिए सबसे पहले एक सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं इसका, कि मेरे पास एक पहले आर रेडियस की एक सर्कुलर डिस्क है, ये आर रेडियस की एक सर्कुलर डिस्क है मेरे पास, ठीक है, ये आर रेडियस की एक सर्कुलर डिस्क है और इसका मास एम है और रेडियस आर है, ठीक है, और ये रोटेट कर रही है कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, मान लो कि ये एंगुलर वेलोसिटी घूम रही है ओमेगा वन से। मेरे पास एक और डिस्क है लेकिन वो अंदर डिस्क है, वो स्टेशनरी है, वो रुकी हुई है। तो मेरे पास ये एक और डिस्क है, ये रही ये रही, ये मेरे पास एक और डिस्क है जिसकी रेडियस जो है ये वाली वो आर बाई टू है लेकिन मास एम है, लेकिन ये रेस्ट में रुकी हुई है, घूम नहीं रही, ठीक है, ये इनिशियल सिचुएशन है। फिर इसको सेकंड फाइनली क्या आता है, इसको इस पर धीरे से ड्रॉप कर दें, इसके ऊपर इस पर धीरे से रख दें, धीरे से अगर रख देंगे ये आपकी पहली डिस्क जिसकी रेडियस आर और मास एम था, और दूसरी डिस्क को इसके ऊपर धीरे से क्या कर दिया, रख दिया बेटा ऐसे, ये दूसरे धीरे से इसको दूसरी डिस्क को इसके ऊपर रख दिया ऐसे। तो देखो जैसे इन दोनों को डिस्क को रखेंगे तो इसके बीच में रिलेटिव मोशन डेवलप होगा, दोनों डिस्क के बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा, वो इसके रिलेटिव मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। रिलेटिव मोशन का अपोज करने का मतलब क्या है, इसकी ओमेगा को बढ़ाएगा क्योंकि रेस्ट में, इसकी ओमेगा को बढ़ाएगा और इसकी ओमेगा को घटाएगा, और वो फ्रिक्शन तब तक रहेगा जब तक दोनों की ओमेगा सेम नहीं हो जाए। जैसे ओमेगा सेम होगा रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा और फ्रिक्शन भी खत्म। तो मैं कहूंगा कि यहां पर जो फ्रिक्शन है वो उसका काम क्या है, जैसे ये कॉन्टेक्ट में आएंगे उसका फ्रिक्शन का काम होगा इसकी एंगुलर स्पीड कम करना और इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ाना, और वो तब तक इसकी बढ़ाता रहेगा और इसकी घटाता रहेगा जब तक कि दोनों की एंगुलर स्पीड कॉमन ना हो जाए। मान लो वो कॉमन स्पीड आपकी वो ओमेगा टू है, क्वेश्चन में गिवेन है, इज ड्रॉप्ड कोएक्सियली ऑन द रोटेटिंग डिस्क ग्रेजुअली, ग्रेजुअली धीरे धीरे बोथ डिस्क अटेन कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा टू। लेकिन ये कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड जो अटेन करी होगी वो ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से करी होगी, और हम जानते हैं जब भी फ्रिक्शन आता है तो एनर्जी खाता है, फ्रिक्शन ही एनर्जी खा गया होगा, इसीलिए इसकी जो एनर्जी होगी टोटल काइनेटिक टोटल एनर्जी वो इससे इसकी काइनेटिक इसकी एनर्जी से ज्यादा होगी क्योंकि इसकी कुछ एनर्जी कौन खा गया होगा, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी में लॉस होगा। द एनर्जी लॉस्ट इन दिस प्रोसेस इज पी परसेंट ऑफ द इनिशियल एनर्जी वैल्यू ऑफ पी, पूछ रहा है तो देखो कैसे करें। तो एक चीज और देखो, इसमें मैंने इसको ड्रॉप किया है, बस केवल ड्रॉप किया है, मैंने कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया, तो इस बॉडी पर लगाया गया, मैंने कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया तो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो, इफ तो टॉय इज इक्वल टू होता है डी एल ओवर डी टी, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो तो डी एल ओवर डी टी जीरो, तो इसका मतलब एल कैसा, कॉन्स्टेंट, तो एल कॉन्स्टेंट रहेगा बेटा। तो इसको इनिशियल कंडीशन कह रहे हैं, इसे फाइनल कह रहे हैं, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा। सबसे पहले तो ये करिए, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखो इसका, तो देखो इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम लिखें, पहली वाले का फर्स्ट डिस्क का, इसका फर्स्ट का लिख रहे हैं, तो क्या लिखें, एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। देखो आई कितना हुआ, डिस्क है, इसका मास एम है और रेडियस आर है, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हम जानते हैं वो हाफ एम आर स्क्वायर होता है, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, तो यहाँ रख रहा हूँ बेटा, फर्स्ट डिस्क का लिख रहा हूँ,
तो आई कितना हो गया हाफ एम आर स्क्वेयर, और ये कितनी एंगुलर से घूम रही है, ओमेगा वन से प्लस। अब सेकंड डिस्क का लिखो, इनिशियल लिख रहे हो ना आप, तो इनिशियल में दोनों आते हैं सिस्टम का, तो इसका लिखें, तो ये तो रेस्ट में, इसकी कोई ओमेगा ही नहीं है पहले शुरुआत में, और ओमेगा नहीं है तो ओमेगा ही जीरो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी हो उसका, वैसे तो हाफ मास एम है और रेडियस आर बाई टू है उसका स्क्वेयर, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, लेकिन ओमेगा जीरो है, ये जीरो हो जाएगा पूरा, इज इक्वल टू। फाइनल लिखें तो देखो, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो दोनों का एंगुलर स्पीड कॉमन है, लेकिन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। तो पहली डिस्क का लिखें तो हाफ मास तो दोनों का एम है, इसकी रेडियस नीचे वाले की आर है, इसलिए एम आर स्क्वेयर प्लस। दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो हाफ मास तो एम ही है, लेकिन रेडियस जो है इसकी वो आर बाई टू है बेटा, इसलिए आर की जगह पे आर बाई टू का आर स्क्वेयर लिखना। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया पूरे सिस्टम का, और ये कॉमन एंगुलर्सिटी ओमेगा से घूम रही है, ओमेगा टू से, तो यहाँ से ये तो जीरो है, ये हो गया हाफ एम आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा वन इज इक्वल टू। देखो इसे लिखें तो हाफ एम आर स्क्वेयर लिख सकता हूँ प्लस, ये फोर हो जाएगा तो ये 1/8 एम आर स्क्वेयर हो जाएगा, भाई आर का आर बाई टू का आर स्क्वेयर करें तो फोर हो जाएगा, फोर गैस में टू इतना हो जाएगा, ये ओमेगा टू। यहाँ से और सॉल्व करें तो देखो एम आर स्क्वेयर से तो एम आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया, देखो एम आर स्क्वेयर कॉमन ले लो कैंसिल हो गया, इसमें से 8 एलसीएम ले लें तो ये आपका 4 और ये 1, ये देखो 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और ये 1/2 ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2, दो से ये काट दिया मैंने 4 बार, तो इसका से मल्टीप्लाई तो 4/5, देखो ये 4 हो गया और ये वाला 5 हो गया, नीचे ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, ओमेगा 2 मैंने निकाल लिया बेटा। अब मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लूँ, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम की, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो मैं पहले इसके काइनेटिक एनर्जी लिखूँ तो हाफ तो ये हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूँ इस डिस्क का, तो कितना हाफ एम आर स्क्वेयर, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया, इंटू ओमेगा, तो इसका ओमेगा कितना है ओमेगा वन, इसीलिए मैंने ओमेगा वन का स्क्वेयर प्लस इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ओमेगा ही जीरो है इसका, तो इसकी जीरो हो गई, तो इनिशियल तो यही आई 1/5, 1/4 एम आर स्क्वेयर ओमेगा वन का स्क्वेयर, दिस इज अ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखूं इस सिस्टम की, इस वाले सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखूं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के टू मान लेता हूँ या के एफ मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो, के एफ इज इक्वल टू इसकी लिखें तो मोमेंट ऑफ काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, देखो हाफ तो ये फॉर्मूले का हो गया ये वाला। अब आई लिखूं तो आई मेरे को लिखना पड़ेगा, तो एक इसका लिखना पड़ेगा, एक इसका लिखना पड़ेगा, दोनों का लिखना पड़ेगा, तो मैं पहले में इस वाली डिस्क का लिख रहा हूँ हाफ एम आर स्क्वेयर प्लस, अब मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे ना पूरे सिस्टम का बेटा, तो ये तो आप ये वाला फॉर्मूले वाला ये वाला, अब आई की वैल्यू पुट करूँ तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वेयर, और दूसरी वाली डिस्क का हाफ मास सेम है लेकिन रेडियस आर बाई टू उसका स्क्वेयर, और इंटू पूरा सिस्टम घूम रहा है ओमेगा टू वेलोसिटी से, ये पूरी दोनों मिला के ऐसे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो काइनेटिक एनर्जी हो गई, सॉल्व करूँ तो हाफ तो ये है ये, और ये हो गया हाफ एम आर स्क्वेयर, और देखो ये हो गया 1/8 एम आर स्क्वेयर, और ये ओमेगा टू हो गया, इसमें से मैं अगर हाफ यहाँ लिख लूँ और एम आर स्क्वेयर में कॉमन ले लूँ, तो मैंने एम आर स्क्वेयर कॉमन ले लिया, और यहाँ से मैंने 8 एलसीएम ले लिया, तो ये 4 और ये 1 और ये ओमेगा टू, तो मैं और आगे बढ़ूं, अच्छा हाफ एम आर ओमेगा स्क्वेयर होता है ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर होता है, ओमेगा स्क्वेयर और लिखो, गलती हो जाएगी, ठीक है। छिया अब लिखूं क्या बेटा, तो देखो ये हो गया आपका 16 और ऊपर हो गया 5, 5/16 एम आर स्क्वेयर है ना, सही किया है, ठीक है ओमेगा टू का स्क्वेयर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब निकालना क्या है, कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई उसमें परसेंटेज में निकालना है, पी परसेंटेज में है तो परसेंटेज लॉस्ट ऑफ एनर्जी, लॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये एनर्जी लॉस हुई होगी ड्यू टू फ्रिक्शन, तो कितनी लॉस्ट कैसे लिखते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन 200, ये परसेंटेज हो गया बेटा,
चेंजिंग काइनेटिक इतना काइनेटिक में चेंज आया, परसेंटेज में लिखते थे ये जो फॉर्मूला होता है, चेंजिंग काइनेटिक डिवाइडेड बाई इनिशियल काइनेटिक मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना। अच्छा अब इसको एक बार इसके नीचे लिखें तो 1 - K फाइनल अपॉन के इनिशियल इंटू 100। अब बस वैल्यू पुट कर दो, 1 - K फाइनल कितनी है, 5/16 एम आर स्क्वेयर एंड ओमेगा 2 का स्क्वेयर डिवाइड बाई के इनिशियल कितनी आई, के इनिशियल है 1/4 एम आर स्क्वेयर ओमेगा 1 का स्क्वेयर। देखो ये एम आर स्क्वेयर से तो एम आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया पूरा, और इंटू 100 है, ठीक है। तो ये 1 - 1 तो 5/16 है यहाँ, और ओमेगा 2 की वैल्यू है आपकी 4/5 ओमेगा 1 का स्क्वेयर। तो मैं अगर ओमेगा 2 की वैल्यू भी पुट कर दूं यहाँ पे 4/5 ओमेगा 1 इस जगह पे पुट कर दूं, तो स्क्वायर है उसका, तो इसलिए 16/25 ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 ओमेगा 1 का स्क्वायर, और ये 100 हो गया देखो, ठीक है। ओमेगा 1 का स्क्वायर से तो ओमेगा 1 का स्क्वायर कट गया, 16 से 16 कट गया, और आगे लिखूं तो देखो ये 5 से 5 बार कट गया, तो ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 1/4/5 इंटू 100। देखो 1 - ये सबसे 4 ऊपर पहुंच गया, 5 नीचे, तो 4/5, और एलसीएम ले लूं मैं 5, तो 5 एलसीएम लूंगा तो 5 - 4 तो 1 इंटू 100, और 5 से काट दिया तो 20, तो 20% आपका आएगा बेटा, परसेंटेज में जो आएगी वो पी की वैल्यू जो होगी वो 20 20 होगी, पी परसेंटेज में एनर्जी थी ना, तो इतनी परसेंटेज वैल्यू लॉस हुई होगी, 20%, है ना। देखो पी परसेंट एनर्जी लॉस हो रही थी, तो पी की वैल्यू पूछ रहा है कितने परसेंट लॉस हुई, मैं कहूँगा 20% लॉस हुई। पढ़ते रहिए और खुश रहिए, थैंक यू।